ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन तक हमारा हो गया था, ठीक है। इसमें होल सर्कल बियरिंग आपको दिया हुआ, आपको फाइंड करना था होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंट बियरिंग में आपको वैल्यू गिवन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन बोलता है आपको, प्लॉटिंग एरर इन केस ऑफ प्लान ऑन द स्केल ऑफ 1 in 2000 शुड बी विद इन 50 सेंटीमीटर। दूसरा बोलता है, प्लॉटिंग एरर इन केस ऑफ प्लान ऑन द स्केल ऑफ 1 in 1000 द एरर शैल नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर। थर्ड बोलता है, प्लॉटिंग एरर इन केस ऑफ द प्लान ऑन द स्केल ऑफ 1 in 2000 एरर शुड बी विद इन 20 सेंटीमीटर। फोर्थ बोलता है, प्लॉटिंग एरर इन केस ऑफ प्लान ऑन द स्केल ऑफ 1 in 1000 शुड बी विद इन 10 सेंटीमीटर। आपसे ऑप्शन पूछा है, ए बोलता है कि बोथ थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, ओनली सेकेंड सही है, ओनली फर्स्ट, या बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। देखिए ये याद करने जैसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, याद करने जैसा है। इसमें ना जो आपका स्टेटमेंट दिया है ना, दो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपके, दो स्टेटमेंट सही है। एक तो आपका ये सही है आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, और दूसरा ये स्टेटमेंट कि अगर आपको प्लॉटिंग एरर अगर आप स्केल रहे ले रहे हैं 1 in 2000 का, तो वो 20 सेंटीमीटर के विदिन आपका एरर होना चाहिए, ठीक। दूसरा बोलता है कि अगर आप 1 in 1000 का स्केल ले रहे हैं, तो विदिन 10 सेंटीमीटर के अंदर में आपका एरर आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ कौन सही है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, बोथ थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। द टेम्परेचर करेक्शन ऑफ द टेप, टेप टेप बोले या फिर चेन बोले, इसका टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन ए बोलता है मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बी बोलता है नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सी बोलता है हमेशा पॉजिटिव होगा, डी बोलता है नन ऑफ दीज, ई बोलता है ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा? देखिए आपके पास चेन और टेप के डिफरेंट करेक्शन है, सैग है, पुल है, टेम्परेचर है, इलोंगेशन है, मीन सी लेवल है, ऐसे बहुत सारे करेक्शन है हमारे पास। उसमें से कुछ करेक्शन आप पे कैसे हैं, पॉजिटिव दोनों होते हैं, कुछ ऐसे करेक्शन है जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो मैं आपको एक प्रीवियस क्लास में बताई भी थी, उसके लिए ट्रिक भी है। एस मतलब नेगेटिव को आप क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव में सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी को घटाना, तो एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे कि सैग हो गया, सैग हो गया, स्लोप हो गया आपका, मीन सी लेवल में एस आता है, तो यहाँ भी एस हो गया। एक आपका होता है मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट, इसमें भी एस आता है। जितने भी आपके एस वाले हैं, सैग, स्लोप, मीन सी लेवल का, ये एमएसएल का, ये बीच में एस आ गया, और मिस अलाइनमेंट का ये एस आ गया, ये आपके करेक्शन कैसे हैं, एस 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 वाले, तो सब्ट्रैक्शन कि हमेशा क्या होंगे, ये ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा हमेशा नेगेटिव होगा करेक्शन आपका, तो सैग हो गया, स्लोप हो गया, मीन सी लेवल, और मिस अलाइनमेंट, ये चारों आपके यहाँ नेगेटिव वाले करेक्शन है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपसे टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर जो करेक्शन है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है, टेप करेक्शन। चलिए नेक्स्ट आइए, लाइन ऑफ साइट शल बी इन विथ थियोडोलाइट। जो आपकी लाइन ऑफ साइट होती है थियोडोलाइट में, वो क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के नॉर्मल होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरल होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के पैरल होता है, नन ऑफ दीज, या हॉरिजॉन्टल सर्कल के पैरल होता है। लाइन ऑफ साइट होता क्या है? तो अगर ये आपका टेलीस्कोप है, ऐसा आपका टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे आपके क्रॉस हेयर लगे होते हैं, यहाँ क्या होते हैं आपके क्रॉस हेयर, तो जो लाइन आपके क्रॉस हेयर के सेंटर से होता हुआ आपके ऑब्जेक्टिव के आगे जा रहा है, इसको आप बोलते हैं आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्रॉस हेयर से, यहाँ पर क्रॉस हेयर है,
तो क्रॉस हेयर के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास हो रही है आपके ऑब्जेक्टिव के सेंटर से निकलते हुए आगे बढ़ रहा है, इस लाइन को अपनी लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो जो लाइन ऑफ साइट होता है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है आपका? पैरेलल होना चाहिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? ये पैरेलल होता है। एल ओ एस का मतलब है लाइन ऑफ साइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को आप एल ओ एस बोल सकते हैं। तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट होती है वो क्या होती है? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के क्या होती है? पैरेलल होती है। ध्यान देंगे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंट इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है, उस पॉइंट को आप जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वहां से आप कवर कर लेंगे अगर डिटेल में इसको पढ़ना है तो। ठीक है, डिटेल में आपके थ्योरेटिकल के सेक्शन में दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल लाइंस होते हैं, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ सारे लाइंस को, कि वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, किसके बीच में क्या रिलेशन बनता है, आप ध्यान देंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपका अराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द डेटम अडॉप्टेड फॉर इंडिया इज द एमएसएल एड। जो डेटम इंडिया अडॉप्ट करता है अपना मीन सी लेवल, एमएसएल का मतलब क्या है? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल आपके समुद्र तल का जो वैल्यू है, बहुत जगह आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में या किसी पोस्ट ऑफिस में कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये जो समुद्र तल से ऊंचाई की आप जो बात कर रहे हैं वो आपने किसी डेटम को रेफरेंस माना है, जिसको आप बोलते हैं मीन सी लेवल। इंडिया या कोई भी अदर कंट्री भी अपने लिए एक क्या मानता है? रेफरेंस मानता है। वैसे हमने अपने मीन सी लेवल को रेफरेंस माना हुआ है, जिसके कंपैरिजन में या जिससे हम हर चीज की बात करते हैं कि ये इससे इतने ऊंचाई पर है, ये ब्रिज ये इतने ऊंचा है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको अगर अगर आप किसी डेटम से ही मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ अडॉप्ट करते हैं? चेन्नई में आपने अडॉप्ट किया है एमएसएल, कोलकाता में किया है, मुंबई में किया है, कराची में किया है, कोचिन में किया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी और ई? डेटम क्या हो जाएगा सर? वैल्यू क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखिए, जो पहले था ना, पहले हम कराची को, कराची के पास जो आपके समुद्र तल की ऊंचाई, जो समुद्र का जो लेवल है ऊंचाई, उसको अपना रेफरेंस मानते थे। लेकिन अब हम क्या कर दिए, तो शिफ्ट कर दिए हैं, मुंबई ले लिए हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए अगर हमसे पूछे कि मीन सी लेवल आप किस पॉइंट का अडॉप्ट करते हैं, तो हम मुंबई का करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आइए। द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन एक्यूरेटली लेवल टेलीस्कोप लाइज इन द प्लेन ऑफ दी। जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, अगर वो एक्यूरेटली लेवल है, आपका जो लाइन ऑफ साइट जो ड्रॉ हो रहा है वो एक्यूरेटली लेवल है आपके टेलीस्कोप में, तो किस प्लेन में आप पढ़ेंगे उस वैल्यू को? सेंसिबल हॉरिजन, विजिबल हॉरिजन, सेलेस्टियल हॉरिजन, टेरेस्टियल इक्वेटर या सेलेस्टियल इक्वेटर। कोई ग्राउंड है आपका, यहाँ पर टेलीस्कोप को रखा आपने, टेलीस्कोप को रखा, ठीक है, और जब टेलीस्कोप को रखा है तो परफेक्टली लेवल्ड है आपका टेलीस्कोप। ठीक, तो जो इसकी लाइन ऑफ साइट निकलेगी, लाइन ऑफ साइट जो निकलेगा वो किस प्लेन पे आएगा? सेंसिबल हॉरिजन पे, विजिबल हॉरिजन पे, सेलेस्टियल हॉरिजन पे, टेरेस्टियल इक्वेटर पे या सेलेस्टियल इक्वेटर पे? तो ये ध्यान देंगे, अगर आपका लाइन ऑफ साइट परफेक्टली लेवल्ड है तो जो जिस प्लेन में आपका टेलीस्कोप लाई कर रहा है, इस प्लेन को आप बोलते हैं अपना सेंसिबल हॉरिजन। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हॉरिजन बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलते हैं? द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 200 मीटर। आपने एक 20 मीटर की चेन की हेल्प से आपने एक लेंथ को मेजर किया, लेंथ कितना आता है आपका? 200 मीटर आता है।
ट्रू लेंथ ऑफ लाइन वॉज नोन टू बी 190 मीटर, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आपका जो सही लेंथ है वो तो 199 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जिस चेन से मेजरमेंट किया है उसमें कुछ क्या है, एरर है। जाहिर सी बात है कि आपने 20 मीटर का चेन लिया नापने के लिए, 20 मीटर का चेन लेके आप कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए, ए से बी को आपको नापना है, ए से बी को आपको मेजर करना है, आप 20 मीटर के चेन को लेके गए फील्ड में, आपने जो मेजरमेंट किया तो आपने बोला कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो 200 मीटर नहीं है, वो तो 199 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो चेन लेके गए हैं फील्ड में मेजर करने, वो क्या है, गलत है। अब कितना गलत है आपको वो फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है, जब भी ये ऐसा आता है कि आपका टेप गलत हो गया या आपका चेन गलत हो गया, तो एक सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, तो जो आपका ट्रू लेंथ होता है, जो आपका ट्रू लेंथ होता है इक्वल क्या होता है, एल डैश अपॉन में एल, और आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मेजर्ड लेंथ से। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ कितना है पता है आपको, 199 मीटर का सही दिया है क्वेश्चन में, ट्रू लेंथ कितना है 199, तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे 199, ठीक है, कर दिया 199। अब ये एल डैश आपको नहीं पता, एल डैश हमको नहीं पता कितना का करेक्शन है या एरर, हमको नहीं पता, उसको हम एल डैश को एल डैश रहने देते हैं। ये एल जो आप चेन लेके गए हैं 20 मीटर हो चाहे 30 मीटर, वो आपको पुट करना, तो यहाँ पर 20 मीटर का लेके गए तो 20 मीटर हो जाएगा, पुट कर दीजिए। कितना आपने मेजर किया है फील्ड में, तो आपने बोला है कि 200 मीटर है, कर दीजिए लो। अब इसको सॉल्व करके यहां सब एल डैश निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करके यहां सब एल डैश कितना जाएगा, 0 0 तो कट हो जाएगा आपका, 2 1 2 2 10 20 हो गया। अगर मैं यहाँ से एल डैश निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 199 डिवाइड बाई 10, तो मेरा एल हो जाएगा 19.9, 19.9 मीटर। मतलब जो आपका चेन था वो कितना था, आप सोच रहे थे कि 20 मीटर का है आपका चेन, लेकिन आपका चेन कितने का है, एक्चुअल आपका चेन क्या हो गया, छोटा हो गया है, आपका चेन क्या हो गया है, 19.9 का हो गया, यानी कि आपका चेन क्या हो गया है, छोटा हो गया है। अगर आपको फाइंड करना है कितना एरर होगा, तो कैसे निकालेंगे एरर, हम 19.9 और आप क्या मान के चल रहे थे कि आपका चेन कितने का है, 20 का है, तो कितना आ गया आपका एरर, -0.1, -0.1 मीटर। माइनस क्यों आया, बड़ा साइन है ना, या कुछ प्लस, प्लस माइनस माइनस है कि माइनस हो जाएगा, यानी कि -0.1, ऑप्शन सी, यानी कि 0.1 क्या हो गया आपका, छोटा हो गया है आपका चेन। नेगेटिव का मतलब क्या है, छोटा हो गया है आपका चेन। क्लियर है ये, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी ऐसा ये चेन वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे, सिंपल अगर आपको ट्रू लेंथ, बहुत बार क्वेश्चन में ट्रू लेंथ फाइंड करने बोलता है, इस बार आपको एरर फाइंड करने बोल दिया क्वेश्चन में, तो ट्रू लेंथ अगर निकालने बोलेगा तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आपको एल डैश लिख लो, गिवन रख मतलब देगा आपको कि आपका चेन 10 सेंटीमीटर छोटा हो गया या बड़ा हो गया, सर के बोलेगा क्वेश्चन, उस अपना एल डैश निकाल लीजिए। एल तो हमेशा क्या होगा, जो आपका डेजिग्नेटेड है आपका चेन 20 का है या फिर 30 का है, जो क्वेश्चन में देगा वो पुट कर देंगे, बाकी जो मेजर किया आपने फील्ड में वो रहेगा यहाँ पे। क्लियर है ये समझ में आया, चलिए नेक्स्ट पे आइए। एन इनवा टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप हैं, मेटल का टेप होता है, क्लॉथ का टेप होता है, ठीक है, लिनन का टेप होता है, वैसे ही आपके पास एक इनवा टेप होता है, इनवार, तो ये किस किस अलॉय से मिलके बना है, किस अलॉय से मिलके आपका इनवार टेप बना हुआ है। ऑप्शन ए कॉपर एंड स्टील, बी बोलता है ब्रास एंड स्टील, सी नन ऑफ द अबव, डी बोलता है निकल एंड स्टील, ई बोलता है जिंक कोबाल्ट एंड स्टील। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एन इनवार टेप
दिनेश डी बोल रहे हैं, बाकी लोग का इनवा टेप किस अलॉय से मिलके बना हुआ है? इनवा टेप आपका, देखिए इनवा टेप कैसा टेप है, तो इसमें ना बाकी आपके जैसे क्लोथ के टेप होता है, चाहे मेटल का टेप होता है ना, तो क्या होता है टेम्परेचर के अलोंग, मतलब कि कभी गर्मी पड़ता है, कहीं बहुत ठंडी पड़ता है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट आपके मटेरियल्स में पड़ता है। जैसे कि अगर कपड़े का टेप है आपका या कोई मेटल का टेप है, तो एक्सपैंड मतलब फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, ठीक है। टेम्परेचर जिससे बढ़ेगा या घटेगा, तो उस हिसाब से आपका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से आपका टेप बना हुआ है या चेन बना हुआ है, तो वो एक्सपैंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी, मतलब सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। लेकिन इनवा टेप एक ऐसा टेप है, इसमें हमने क्या मिलाया है, ऐसे दो अलॉय को हमने मिलाया है जिसमें ये जो फैलने और सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है बहुत कम होती है, नेग्लेजिबल होती है, न के बराबर होती है, ठीक है। इसमें क्या मिला हुआ है, निकल और स्टील, ये पूरे स्टील से बना हुआ नहीं, इसमें हमने निकल और स्टील को मिला के बनाया है, निकल और स्टील को हमने क्या किया है, मिला के बनाया है। तो जब भी आपको कुछ एक्यूरेट चीज मेजरमेंट करना होता है, जिसको आपको बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट करना है, तो उसको हम इनवा टेप से मेजर करते हैं। जिसमें आपका निकल कितना होता है, अगर इसका परसेंटेज कहीं पूछे तो 36% निकल होता है, बाकी बचा हुआ 64% आपका स्टील होता है, ठीक है। निकल और स्टील से मिलके बना होता है इनवा टेप, जिसमें आपका 36% निकल होता है और स्टील आपका 64% होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है ये, ठीक है। तो कभी आपसे इसके परसेंटेज ही पूछ सकता है, लेकिन कुछ भी अगर आपको एक्यूरेट चीज मेजर करना होता है तो आप इसी से करते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चले। देखिए इसमें क्या बोलता है, गिवन दी होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 250 डिग्री एंड 30 मिनट। 250 डिग्री है, आपको होल सर्कल बियरिंग का वैल्यू दिया है, किसी लाइन ए बी का डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बियरिंग में दिया है 250 डिग्री 30 मिनट। आपको बोलता है फाइंड द क्वाड्रेंट बियरिंग, मतलब फाइंड द क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ लाइन, आपको क्वाड्रेंट बियरिंग फाइंड करना है इस लाइन का, इस लाइन का क्वाड्रेंट बियरिंग क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट बियरिंग में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आप किसी एंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं, आपके पास दो तरीके हैं मेजरमेंट करने के, दो तरीके हैं, एक आपका है होल सर्कल बियरिंग और दूसरा है क्वाड्रेंट बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। आप जब भी होल सर्कल बियरिंग की बात करते हैं, होल सर्कल बियरिंग की बात करते हैं, आप किसी चीज को नॉर्थ से नापते हैं, नॉर्थ से नापते हैं और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। दो पॉइंट याद रखेंगे डब्ल्यू सी बी के लिए, होल सर्कल बियरिंग के लिए, डब्ल्यू सी बी छोटा है आपके, द शॉर्ट फॉर्मेट होल सर्कल बियरिंग का, इसमें आप नॉर्थ से ही मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, आप हमेशा नॉर्थ से मेजर करेंगे इसको, नॉर्थ से मेजर करेंगे इस एंगल को, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, उल्टा कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन जब क्वाड्रेंट बियरिंग का बात करते हैं, क्वाड्रेंट बियरिंग का बात करते हैं, तो आप एक क्वाड्रेंट मतलब इतने का बात कर रहे हैं, इतना कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये होगा 90, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आप नॉर्थ से ईस्ट का बात करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट का बात करेंगे, साउथ से ईस्ट का बात करेंगे, साउथ से वेस्ट का बात करेंगे, मतलब इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हो, इधर मूव कर, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप किधर भी मूव कर सकते हो जो आपको पास पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, डिटेल में समझना है कि कैसे
से हम क्वाड्रेंट बियरिंग से डब्ल्यू सी में आते हैं और डब्ल्यू सी बी से क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो डिटेल में आप मेरा एंगुलर मेजरमेंट जो टॉपिक है तो डिटेल में पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, नॉर्थ है ठीक है, नॉर्थ से कितना बोलता है 250 डिग्री और 30 मिनट। तो भाई यहाँ ये आपका जीरो होता है, नॉर्थ मतलब जीरो, यहाँ तक कितना होगा 90 होगा, यहाँ तक 180 होगा आपका, ये 270 होगा और वापस ये 360, एक पूरा चक्का कंप्लीट हो गया। 250 बोला है मतलब मैं कहाँ बनाऊ, 270 छोटा होगा, 180 से बड़ा 270 छोटा, मतलब ये लाइन कहाँ बनेगा मेरे, इस वाले क्वाड्रेंट बनेगा, कहाँ बनेगा मेरे, इस क्वाड्रेंट बनेगा। लो बना दिए, मतलब इसका वैल्यू ये आपको गिवन है कितना है, ये 250 डिग्री और 30 मिनट, ये वैल्यू है जो ग्रीन वाला वैल्यू है ये 250 डिग्री 30 मिनट है। मैंने देखो नॉर्थ से बनाया यहां तक आपको, लेकिन क्या फाइंड करना है आपको, क्वाड्रेंट बियरिंग में इस लाइन का बताना है वैल्यू कितना होगा, क्वाड्रेंट बियरिंग। अब मेरे को क्वाड्रेंट में क्या है, अब मैं सिर्फ क्वाड्रेंट देखूं तो क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए मेरे को आंसर क्या करना है, मेरे को ये लाइन किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, साउथ और वेस्ट में, मतलब साउथ और वेस्ट तो होगा, उसके बीच में कोई वैल्यू आएगा, साउथ और वेस्ट होगा। कैसे समझ में आया, ये लाइन कहाँ बन रहा है, साउथ से वेस्ट, आप कभी भी इसको वेस्ट से साउथ नहीं बोलेंगे, आप क्वाड्रेंट बियरिंग में या तो नॉर्थ से बात करते हैं या तो साउथ से बात करते हैं, बस ईस्ट और वेस्ट से आप नहीं बोलते हो, या तो नॉर्थ से बोलोगे नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट या साउथ से वेस्ट। अभी जो ये लाइन बना है ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ से वेस्ट हम बोलेंगे, कोई भी इसको वेस्ट से साउथ नहीं बोलेगा। ऑप्शन में आपको वेस्ट और साउथ ऐसा ऐसा भी दे सकता है लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है तो ध्यान दें, कभी आप वेस्ट से साउथ नहीं बोलते हैं उसको, वेस्ट से साउथ आप नहीं बोलते हैं, ध्यान देंगे इस पॉइंट को। ठीक है चलिए, अब देखो अब मैं कितना बोलूं, मतलब मेरे को साउथ से वेस्ट, मतलब मेरे को इतना आंसर करना है कितना होगा, ये यहाँ साउथ से वेस्ट कितना होगा, इसका वैल्यू मेरे को पता करना है, तो कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालू मैं। अगर देखो इस पूरे ग्रीन में से, मैं इस पूरे ग्रीन एंगल में से अगर मैं 180 माइनस कर दूं, 100 से मतलब कितना होगा, इतना, ये आपका 180 डिग्री है। तो इस पूरे ग्रीन में से मेरे को इस पिंक को फाइंड करना है, इस पिंक का वैल्यू पता करना है मेरे को, इस अगर पूरे ग्रीन मतलब कि 250 डिग्री 30 मिनट में अगर मैं इस 180 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, मिलेगा क्या, 250 डिग्री और 30 मिनट में मैं अगर इस 180 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे को वैल्यू मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा, ये किसी को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, वापस रिपीट कर दूंगी। अच्छा ये बीए लिखा बोल रहे हो क्या, ठीक है वो भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो। हाँ देखिए या तो अब ये लिखने में गलती कर दिया है, अगर ये एबी के लिए बोलेगा तब तो फिर ये है, अगर आपके लिए मतलब अगर ये गलती से बीए लिख दिया है और आपको एबी के लिए पूछेगा, मतलब एबी के लिए, तब तो आपका 70 डिग्री 30 मिनट वेस्ट हो जाएगा, जो ये वाला मैं बोली ना आप ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पे बीए लिखा है ना, तो अगर हम बीए की बात करें तो चेक कर लेते हैं इसको भी कितना हो जाएगा। मतलब आपको ये आंसर करना है, बीए बोला मतलब आपको ये आंसर करना है, ये एंगल,
तो अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री। वैसे बताइए मगर आपको, अगर ये आपको साउथ 70 डिग्री 30 मिनट वेस्ट आया है आपका, तो कितना हो जाएगा ये? अगर आपको, अगर ये आपका एबी के लिए वैल्यू, अगर बीए के लिए लिखना है तो क्या करते हैं, अगर आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में कोई चीज गिवन है, क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया हुआ है, ठीक है, आपको एबी के लिए, एबी का तो हमारा 70 30 मिनट साउथ से वेस्ट हो गया। अगर आपको इसी के लिए बीए के लिए आंसर का, तो कुछ नहीं, वैल्यू तो इतना ही होता है, वैल्यू यही होता है बस, साउथ का हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट का हो जाएगा उल्टा ईस्ट। ठीक है, जब भी आपको एबी के लिए दिया है कोई वैल्यू और बीए के लिए आपको निकालना है, एबी का उल्टा है ना बीए, इसका मतलब आप फोर बियरिंग बोल रहे हो या आपका बैक बियरिंग है, ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग से मान लो कोई लाइन है आपकी, ये आपने ड्रॉ किया, ये बोला आपने ए से बी, ये बोला आपने ए से बी, तो ए से बी आपके लिए फोर बियरिंग है, आप इसका उल्टा आएंगे बी से ए, तो वो आपका हो जाएगा बी से, मतलब बैक बियरिंग हो जाता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको ए बी के लिए वैल्यू पता है, बीए के लिए निकालना है, तो अगर क्वाड्रेंट बियरिंग में कोई चीज है आपका, तो वैल्यू उतना ही रहता है, सिर्फ साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा उल्टा। ठीक है, डायग्राम से भी दिख रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगा ये लाइन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड ए बी एंड सी आर नोन एंड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। आपको फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। देखो ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो एक तो देखो ट्राइंगल, आपके पास बहुत टाइप के ट्राइंगल होते हैं, जो ट्राइंगल है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। अगर हम इसका बात करते हैं, आपका एक ये है राइट एंगल ट्राइंगल, अगर किसी एंगल इसका 90 डिग्री का बनता है ट्राइंगल, जिसमें तीन तीन साइड है, तीन साइड है मतलब ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका अगर आपको एरिया की बात करता है, तो होता है आपका हाफ जो भी ये बेस है, बेस इंटू जो भी आपका ये हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सिंपल आपके ट्राइंगल का एरिया होता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन कोई ऐसा ट्राइंगल है, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका आपको ए और बी और सी, इसका लेंथ और इसका लेंथ पता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला करके, क्या बोलता है, कैसे निकालते हैं ऐसा का एरिया, यहाँ डिफरेंट आपको ऑप्शन दिया है। देखिए जब भी आपको कोई ट्राइंगल दिया है जिसमें तीन साइड है ए बी और सी, आपको इसका अगर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में होता है ये, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा आपको? ध्यान देंगे, जब भी आपको तीन साइड गिवन है ए बी और सी, ए बी और सी तीन साइड गिवन है आपको, इसका अगर एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बनता है ए इक्वल टू एस अंडर रूट के अंदर में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। इसमें आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, और ये पूरा ऐसा अंडर रूट है, पूरा ऐसा अंडर रूट है इसमें। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस, यहाँ पे एस क्या है आपका, एस क्या है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये एस का वैल्यू है। अगर आपको ए बी और सी नोन है, आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन, अभी तो ये तो फॉर्मूला पूछा है, तो क्वेश्चन के टाइम आपको ए दे देगा, ए दे देगा 5 है, बी का वैल्यू 6 है, तो सी आपका 7 है ना, 5 6 7 दे दिया ए बी और सी का वैल्यू, और आपसे बोला है इसका एरिया बताइए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया बता सकते हैं। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू,
वहां सब एस फाइंड कर देंगे, बाकी आपको ए बी और सी तो नोन है, बस वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन एन एक्सटर्निंग फोकसिंग टेलीस्कोप द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज अचीव बाय। आप फोकस फोकस कैसे अचीव करते हैं? फोकसिंग फोकसिंग कैसे? देखो, जब भी आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं डम्पी लेवल, तो उसमें प्रोसेस होता है, डम्पी लेवल पहला क्या करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं, इसकी सेंटरिंग कर लेते हैं, फिर इसकी लेवलिंग करते हैं, फिर इसको फोकसिंग करते हैं। मतलब जो आपका प्लेन में जो पिक्चर बन रहा है, जो आपका स्टाफ अपने यहाँ पर रखा है, इसका जो पिक्चर बन रहा है आपके इस लेंस में, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को मूवमेंट फोकसिंग के ऑब्जेक्टिव को मूव कराते हो आप और अपने पिक्चर को क्लियर करते हो, उसी को आप बोलते हैं फोकसिंग। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में आप फोकसिंग कैसे अचीव करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है बोथ ए एंड बी, बी बोलता है मूवमेंट ऑफ नेगेटिव कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को मूव करा के, ऑब्जेक्टिव को मूव करा के, कॉन्वेक्स लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से, या फिर नन ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब आपका ऑब्जेक्टिव है इसको आप मूव कराएंगे तो आपका क्या होता है, फोकस, आप फोकस यानी कि जो आपका पिक्चर प्लेन में जो आपका जो स्टाफ का जो आपका इमेज बन रहा है वो क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव को मूवमेंट करा के। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इसमें क्या बोलता है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो उसमें स्टेटमेंट सही है उसको आपको पिक आउट करना, टिक करना है। ऑप्शन तो नन ऑफ दीज लिखा है। बी बोलता है इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड। देखो, कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर तो पूरा एलिमिनेट करता है, अगर आप रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो कर्वेचर का जो करेक्शन होता है वो प्रॉपरली हट जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन को वो पार्शियली रिमूव करता है, पार्शियली पूरा एलिमिनेट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी अपगत हो जाएगा। सी, एट चेंज पॉइंट इन लेवलिंग टू बैक सेट आर टेकन। जब भी आपका आप लेवलिंग करते करते जाते हैं और जहां आपका चेंज पॉइंट आता है तो वहां पर आपको दो बैक साइड मिलता है, तो दो बैक साइड नहीं मिलता, एक आपको बैक साइड मिलता है, एक आपको फोर साइड मिलता है, तो ऑप्शन सी भी जाएगा गलत। जहां भी आपका चेंज पॉइंट होता है उस पॉइंट में आपको एक बैक साइड और दूसरा आपको फोर साइड मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी बोलता है इन लेवलिंग इफ बैक साइड इज लेस देन फोर, आपका अगर बैक साइड क्या है, कम है फोर साइड से, मतलब फोर साइड की वैल्यू बड़ी है बैक साइड से, तो बोलता है कि बैक साइड स्टेशन इज लोअर देन दी फोर साइड स्टेशन। तो बोल रहा है कि अगर आपका बैक फोर साइड अगर बड़ा है तो बैक साइड आपका लोअर है एज कम्पेयर टू फोर साइड, तो ये गलत है, उल्टा होता है। आपका अगर फोर साइड ज्यादा है मतलब फोर साइड आपके लोअर में है, बैक साइड तो राइज में है, हाइट में है। ठीक है, ई बोलता है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू कर्ज द ऑब्जेक्ट साइड टू अपियर लोअर देन दे रियली आर। ये ऑप्शन सही है, जो कर्वेचर का जो इफेक्ट होता है ना वो आपके ऑब्जेक्ट को स्लाइटली लोअर, कर्वेचर के इफेक्ट के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट स्लाइटली लोअर हो जाता है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। द टेप ऑफ लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू व्हेन सस्पेंड एट इट एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू अ पुल पी विल हैव द रिक्वायर्ड सैग करेक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शन में एक आपके पास सैग करेक्शन भी है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ऑप्शन ए बोलता है माइनस एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 12 P² बी बोलता है माइनस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24 P² सी बोलता है माइनस एल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन 24 P² डी बोलता है माइनस एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24 P² या ऑप्शन ई बोलता है माइनस एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 12 P². तो ध्यान देंगे जो सैग करेक्शन का जो फॉर्मूला बनता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन में 24 और पी का स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर एल, डब्ल्यू का स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बनता है फॉर्मूला। हम बताए सैग हमेशा क्या होता है, सैग ऑलवेज नेगेटिव, सैग क्या होता है,
हमेशा नेगेटिव, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सैड। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये माइनस एल डब्ल्यू स्क्वायर, एल डब्ल्यू स्क्वायर 24, किस ऑप्शन डी दिख रहा है ऐसा, एल डब्ल्यू स्क्वायर 24 पी स्क्वायर। क्लियर है क्या? फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप ध्यान रहे, जितना भी सब, पुल का फॉर्मूला है, टेम्परेचर का फॉर्मूला है, सैग का फॉर्मूला है, ठीक है, मिसअलाइनमेंट का है, स्लोप का है, सब में फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपका, या तो अगर तो सॉल्व, तो आपको आपको कैलकुलेटर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ठीक है, आपको कैलकुलेटर आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर गिवन नहीं है, तो ऐसा आपको अगर आपसे न्यूमेरिकल बनवा रहा है तो ऐसा न्यूमेरिकल देगा जो आप इजीली सॉल्व कर सके, मतलब जो आप सॉल्व कर पाओ ऐसा न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं रहता है, इजी रहता है न्यूमेरिकल अगर पूछ रहा है तो। बाकी फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, इसलिए फॉर्मूला पूछा आपसे सैक का, वैसे ही आपके लिए स्लोप पूछ सकता है, टेम्परेचर पूछ सकता है, मीन सी लेवल पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। गिवन क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू नॉर्थ 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, फाइंड इट्स होल सर्कल बियरिंग। इस बार आपको आपका जो लाइन है ए बी का क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया है कि नॉर्थ 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, कितना है बोलता है, नॉर्थ 46 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, तो आपका होल सर्कल बियरिंग में उस लाइन का वैल्यू क्या होगा। इस बार क्या बोला, इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें आपको क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया, सॉरी होल सर्कल बियरिंग में दिया था, क्वाड्रेंट बियरिंग में आपसे आंसर उसने पूछा था। इस बार क्या क्या कर दिया है, आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया है, आपको डब्ल्यू सी बी यानी कि होल सर्कल बियरिंग में आंसर करने बोल रहा है। कैसे होगा, कैसे होगा, ड्रॉ करिए पहले। जो बोलता है जब भी ऐसा एंगुलर मेजरमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको जो बोल रहा है आप उसको बनाइए। ये बना लिया हमने नॉर्थ, सबसे पहला काम ही करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और आज समझ जाते हैं, आप लिख लो 0 डिग्री, यहाँ लिख लो 90 डिग्री, यहाँ लिखो 180 डिग्री, और यहाँ लिखो 270 डिग्री, वापस से 360 डिग्री। कितना बोला है, नॉर्थ बोला और वेस्ट बोला, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि लाइन आपका यहाँ कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा लाइन, लाइन कहीं आपका ईस्ट में बनेगा, कि नॉर्थ और वेस्ट बोला, नॉर्थ वेस्ट। कितना बोला, 46 डिग्री 30 मिनट, मतलब आप यहां से नहीं बनाएंगे कभी भी, आपको वेस्ट से नॉर्थ नहीं बोला है 46 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट बोला, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट कितना बोलता है, 46 डिग्री और 30 मिनट, 46 डिग्री और 30 मिनट। आपको आंसर किसमें करना है, इस लाइन का वैल्यू डब्ल्यू सी बी सिस्टम में कितना होगा। तो डब्ल्यू सी बी की खासियत क्या है, डब्ल्यू सी बी की खासियत क्या है कि आप हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, लेकिन एंटी नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आप उस लाइन तक जाइए जो आपको एंगल मिलेगा, वो आपका एंगल हो जाएगा। कैसे मिलेगा ये ब्लैक वाला, मेरे को इस ब्लैक वाले एंगल को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करूं, कैसे फाइंड करूं, आपको ये देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्री समझना है बस हमको। अगर ये पूरा मेरा, अगर ये किसी एंगल की बात करूं, ये तो मैं 360 डिग्री होता है, पूरा पूरा इस चक्कर कितना होता है, 360 का होता है। अगर इस 360 में से मैं अगर इतने को माइनस कर दूं तो मेरे को इस ब्लैक वाले का वैल्यू मिल जाएगा क्या। अगर मैं इस 360 डिग्री में से मैं 46 डिग्री और 30 मिनट को माइनस कर देती हूँ तो मेरे को ये ब्लैक वाले का वैल्यू मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा क्या, मिलेगा ना, बस आपको माइनस कर देना है, करिए माइनस, कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 360 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ये देते हैं ना बचपन में माइनस, कैरी देते हैं, कैरी, तो कैरी आप दे दीजिए, दीजिए कैरी, इससे एक दीजिए, ये 1 डिग्री दे देगा, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, खुद कितना बन गया ये 259 डिग्री, 359,
359 डिग्री, ये कितने दे दिया आप उसको, 60 मिनट, यहाँ 30 मिनट और यहाँ पे 46 डिग्री। आया क्या ये? समझ में आया क्या? नहीं आया तो वापस पूछिए। चलिए देखो, ऑप्शन डी इसमें सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोलता है। द नन यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ द एपरेंट सोलर डेज इज ड्यू टू, देखो देखो आपके क्या होता है, पूरे जैसे क्या पता, जो पूरे आपके 12 मंथ्स हैं, जो पूरे 12 मंथ्स है जनवरी से लेके दिसंबर तक, उनमें सारे जो भी दिन होते हैं आपके बराबर होते हैं क्या? डे एंड नाइट बराबर होते हैं क्या? डे एंड नाइट बराबर होते हैं क्या? कि जितना लंबा आपका रात आज का है, उतना ही लंबा रात आपके गर्मी में भी होगा, उतने लंबा रात आपके ठंडी में होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो आपके साल के सबसे बड़े दिन होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो साल के सबसे छोटे दिन होते हैं, या सबसे लंबी रात होती है सबसे छोटी रात होती है, होती है ना। तो वही पूछ रहा है कि जब का ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक ही यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, कि आज का ऐसे अगर मैं बात करूं, अभी ऐसे अगस्त चल रहा है, अगस्त का जो रात है आज, मान लीजिए कितना तारीख है आज, अगर हम बात करें आज 26 अगस्त की, 26 अगस्त का जो रात है, अगर वो मान लीजिए रात आपके 8 घंटे का रात हो रहा है आपका, तो जरूरी है कि 27 अगस्त का भी, या अगर मैं बात करूँ 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर का रात भी 8 ही घंटे का होगा, 8 घंटे का, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं होता, ये यूनिफॉर्म नहीं है, जो आपका दिन रात है ना, दिन और रात हर दिन का यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्यों है ये लेंथ क्यों है? क्योंकि आपका जो ये अर्थ है ना, वो पूरा ऐसा गोल नहीं है, हल्का वो कैसा अंडा का टाइप का है, ठीक है, जो उसका शेप है ना, उसके शेप के कारण ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें इस ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑब्लिक्यूटी ऑफ द एलिप्टिक, ठीक है, जो आपका एलिप्स शेप का जो शेप है आपके अर्थ का, उसकी वजह से जो आपका यूनिफॉर्म लेंथ दिन और रात का नहीं हो पाता। क्लियर है क्या? आपके शेप की वजह से है ऐसा, आपके अर्थ के शेप की वजह से है ऐसा। एलिप्स टाइप का जो शेप है आपके, अंडाकार टाइप का जो शेप है आपके अर्थ का, उसके कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। द फॉलोइंग मेथड ऑफ फास्ट ट्रैवर्स इज जनरली प्रिफर्ड, देखो ट्रैवर्स में आपको मैं फास्ट मेथड, डायट ट्रांजिटिंग, मतलब ये सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो आप फास्ट ने ट्रैवर्सिंग मतलब को जनरली प्रीफर क्यों करते हैं, एज कम्पेयर आप डायट मेथड ऑफ विदाउट ट्रांजिटिंग के, आप फास्ट ने ट्रैवर्सिंग को प्रीफर करते हैं। अब इसमें किसमें कैसा करते हो, आपके ट्रैवर्स वाले लेक्चर में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो डिटेल में आपका क्लास आप देख लेंगे ट्रैवर्स का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। इसमें क्या बोलता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ 6 मीटर डीप टैंक हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, टॉप 6 मीटर x 4 मीटर एंड बॉटम 4 मीटर x 2 मीटर, कंप्यूटेड थ्रू यूज ऑफ प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला। आपको बोलता है प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला की हेल्प से आप मेरे को वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बताना है आपको। एक 6 मीटर डीप आपका एक टैंक है, लेकिन टैंक कैसा है, टैंक कैसा है, ऊपर में इसका अलग शेप एंड साइज है, नीचे बॉटम में अलग शेप एंड साइज है, कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये आपका है,
ये आपका है ऐसा 6 मीटर बाई 4 मीटर का टॉप में, और बॉटम में कितना बोलता है, 4 बाई 2 का है। बॉटम में कितना है, बॉटम में कितना है ये, बॉटम में कितना है आपका ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। कुछ ऐसा कुछ टैंक है ये आपका ऐसा 6 मीटर है डेप्थ है, 6 मीटर इसका डेप्थ है। ऊपर इसका साइज 6 बाई 4 का है टॉप में, और नीचे में 4 बाई 2 का है, नीचे में 4 बाई 2 के शेप का है ये। आपको बोलते इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, आपको प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला का बोलता है यूज करिए। तो ध्यान देंगे, प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला के हर जगह वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का बनता है फॉर्मूला L/6 A1 + A2 + 4 AM + 4 AM, ये बनता है फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए A1 A2 आप इजिली निकाल लेंगे। A1 कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत है ना, रेक्टेंगल है। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, कितना होगा 6 × 4 लेंथ इंटू विड्थ, ये तो होता है फॉर्म रेक्टेंगल का, तो 6 × 4 = 24 मीटर स्क्वायर। अगर मैं A2 की बात करूं यानी कि बॉटम का, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 4 × 2 = 8 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो ये AM है, ये AM कैसे मिलेगा आपको, आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन। AM का मतलब है मीन, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा इस लेंथ का और मीन निकालना पड़ेगा विड्थ का। निकालते हैं, चलिए A1 और A2 समझ में आया ना कैसे मिला। A1 मतलब एरिया, आपने एरिया फाइंड किया पहले वाले का मतलब टॉप का, इसको आप A1 बोल रहे हैं, नीचे वाले को A2 बोल रहे हैं। रेक्टेंगल है ना, आयत के शेप का है, तो आपने क्या कर दिया 6 × 4 6 × 4 = 24, नीचे में 4 × 2 4 × 2 = 8 8 मीटर स्क्वायर। ऊपर और नीचे का एरिया आ गया आपका। अब इस फॉर्मूला में L तो पता है आपको, लेंथ, लेंथ दिया है 6 मीटर, 6 दे दिया है, A1 मिल गया, A2 मिल गया, आपको AM चाहिए। अब AM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, AM निकालने के लिए मीन करना पड़ेगा, मीन। अब आप मीन कैसे लेंगे, मीन मतलब एवरेज। एक आपका है 6, एक आपका है 4, तो 6 + 4 / 2 कितना हो जाएगा 10 / 2 यानी क्या जाएगा आपका 5 मीटर। दूसरा आपका दिया है 4 और दिया है 2, अगर मैं विड्थ का करूं तो कितना दिया है, एक दिया है मेरे को 4 और दूसरा दिया है 2, तो 4 + 2 / 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 मीटर। ठीक, अगर मैं अब इसका मीन निकालूं, ए मीन निकालूं, मैं निकालूं AM, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 मीटर स्क्वायर। अब मिल गया सब आपको, बस पुट करना है वॉल्यूम में। तो कितना हो जाएगा, L कितना है आपका 6/6 हो गया, A1 कितना है आपका 24, A2 कितना है 8 + 4 × 15। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल रहा है 92 मीटर क्यूब 92 मीटर क्यूब। तो जब भी आपको ऊपर का कुछ एरिया दे, नीचे कुछ एरिया टैंक है कुछ बना होगा, ठीक है, अलग अलग शेप एंड साइज का, आपसे उसके प्रिज्म मॉडल फॉर्मूले से अगर आपको वैल्यू फाइंड करने बोलता है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। A1 निकाल लिया आपने, A2 निकाल लिया आपने। A1 कैसे मिला आपको, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुण चौड़ाई। तो 6 × 4 हो गया ऊपर का, नीचे का हो गया 4 × 2 निकाल दिया आपने। और लेकिन यहाँ पे एक बोलता है ए मीन, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज करना। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, तो 6 और 4 का आपने एवरेज कर दिया। फिर ये जो चौड़ाई है 4 और ये 2 है, यहाँ दिया है 4 और यहाँ दिया है आपको 2, तो 4 और 2 का एवरेज कितना हो जाएगा आपका 4 + एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़िए कितना है 1 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने टर्म होते हैं उससे आप डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। ठीक है,
तो आप सॉल्व करेंगे, 6 6 आपका कैंसल हो जाएगा, बाकी 24 + 8 + 4 × 15 अगर आप सॉल्व करते हैं, इन सबको इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस प्लस करिए, आपको 92 वैल्यू मिल जाएगा। ऑप्शन सी, 92 क्यूबिक मीटर। तो जब भी प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला बोले आपको, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, L/6 ब्रैकेट में A1 + A2 + 4 AM, AM मतलब मीन एरिया। अब मीन ये करने के लिए आप इस A1 और A2 का एवरेज नहीं करते हैं, आप पहले जो आपको लेंथ और जो विड्थ दिया है उसका आप एवरेज निकालते हैं, उससे आप ए मिड फाइंड करते हैं, बस इस पॉइंट का आप ध्यान देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? दिनेश बोल रहे फास्ट, मैं तुमको तो एक्सप्लेन करने के लिए, ओके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। ये समझ आ गया 92 कैसे आया? बन जाएगा ना, कभी भी प्रिज्म मॉडल फॉर्मल पूछे आपसे क्वेश्चन, ऐसा वो वैल्यू दे तो बन जाएगा ना। देखो फास्ट न्यूटन मेथड, और इसमें देखो ट्रैवर्स में ना आपके पास डिफरेंट मेथड, एक होता है आपका लूज निडल मेथड, लूज निडल, लूज निडल, और एक को आप बोलते हैं फास्ट निडल, फास्ट निडल। देखिए लूज निडल में क्या होता है ना, आप जनरली कंपास का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस का मेजर करने के लिए आप चेन का यूज करते हैं, डिस्टेंस का मेजर करने के लिए आप चेन का यूज करते हैं। फास्ट निडल में क्या होता है, इसमें जनरली हम लोग डिस्टेंस के लिए तो आप चेन या टेप का यूज करेंगे, चेन या फिर टेप का यूज करेंगे, लेकिन एंगल को आप क्या करते हैं, थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर करते हैं। थियोडोलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं फास्ट निडल के कंपैरिजन में, और इन जगह हम लोग फील्ड में प्रीफर करते हैं कि आप फास्ट निडल ट्रैवर्सिंग करें, एज कम्पेयर टू आप डायट बोलो या फिर आप इसको लूज बोलो, इसी को आप लूज भी बोलते हैं, लूज भी बोलते हैं डायट मेथड को। तो डायट मेथड में क्या होता है ना, लूज निडल मेथड में तो आप कहीं पर ट्रैवर्स बना रहे हैं, ट्रैवर्स आपने ड्रॉ किया, इस पॉइंट आप ए पॉइंट पे आए, यहाँ आपने सेट किया अपना कंपास, जो भी अपना रीडिंग वीडिंग पढ़ा, तो आप मान लीजिए कोई पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला बी, ऐसे भी आपने मेजर कर लिया फील्ड में, ठीक। फिर आप बी पे गए, वापस आपने सेट किया अपने कंपास को जीरो में, फिर आप बी से सी का रीडिंग पढ़ रहे हैं, वापस जीरो करके आपने बी से सी का रीडिंग पढ़ा, फिर आपको सी से डी का, तो वापस आप उस सी पॉइंट पे आएंगे, वापस अपने अपने कंपास को जीरो पर सेट करेंगे, फिर रीडिंग पढ़ना चालू करेंगे। तो इसमें ना आपका लूज ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, बार बार जीरो में लेके आओ, फिर सेट करो, फिर करो। लेकिन फास्ट निडल में क्या होता है, एक बार आपने सेट कर दिया ए पे, ए पे आपने सेट किया अपने इंस्ट्रूमेंट को, ए पे सेट 30 डिग्री आया, मान लीजिए 30 डिग्री आपका वैल्यू आ गया, ठीक। तो आप ना इसके 30 के आगे आप पढ़ना चालू करते, एक बार सेट कर दिया, अब सेट कर तो वो मूव भी नहीं करेगा आपका, आपका जो थियोडाइट मूव भी नहीं करेगा, आप वापस अपने इंस्ट्रूमेंट उठाए बी पे लेके आए, तो आप वैल्यू को वापस जीरो पर नहीं करोगे, उसके आगे आप पढ़ना चालू करेंगे सी तक, फिर सी से डी आप आगे पढ़ना चालू करोगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा जल्दी होता है फास्ट एज कम्पेयर टू लूज निडल। तो इन जनरल फील्ड जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम फास्ट निडल मेथड से यूज करते हैं। क्लियर है क्या, लूज और फास्ट निडल, बस नाम नाम का डिफरेंस है। इसमें लूज में आप जनरली कंपास का यूज करते हैं एंगल मेजरिंग के लिए, और चेन और टेप का यूज करते हैं लीनियर के लिए, फास्ट में आप थियोडोलाइट से एंगल को मेजर करते हैं, और चेन और टेप से आप लीनियर मेजरमेंट को मेजर करते हैं। इसमें आप जब जब भी सेट करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे जाएंगे, बार बार जीरो पे लेके आओगे, फिर अब सेट आगे रीडिंग पढ़ना चालू करोगे, लेकिन इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होता फास्ट निडल में, एक बार सेट करिए और रीडिंग को आगे पढ़ते पढ़ते जाइए, बाद में उसको माइनस करके आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी सॉ जल्दी बनता है ये आपसे, बस यही चीज है। देखिए फास्ट निडल मेथड के अंदर कोई दूसरा मेथड नहीं है दिनेश, फास्ट निडल मेथड एक मेथड है आपके एंगल को मेजर करने का, एंगल मेजर के ट्रैवर्स बनाने का आपका मेथड है, जिसमें आप अगर मैं बोल मेथड का, तो जैसे पहला मेथड जो है आपका, पहला मेथड इसको आप लूज निडल बोलते हैं, लूज निडल एंगल मेजर करने का, ठीक है, लूज निडल, इसको आप डायट मेथड ही बोलते हैं। दूसरा आपका है फास्ट निडल, फास्ट निडल, और तीसरा मेथड फिर आपका है इनक्लूड एंगल मेथड, इनक्लूड एंगल, चौथा इसमें आपका डायरेक्ट एंगल, और पांचवा आपका है डायरेक्ट एंगल है, फिर आपका है डिफ्लेक्शन एंगल। ऐसे डिफरेंट तरीके हैं आपके एंगल को मेजर करने के, उसमें से आपका लूज निडल फास्ट निडल, इसके अंदर कोई अलग मेथड नहीं है, समझ रहे हैं, इस फास्ट निडल के अंदर में कोई दूसरा मेथड नहीं है आपके पास,
क्लियर है? फास्टनरली एक तरीका है एंगल को मेजर करने का, फास्टनर जल्दी हो जाता है, लूज में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप जीरो पे सेट करेंगे फिर आप वैल्यू को पढ़ना चालू करेंगे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.